और इसको ना वो चाहिए होते ना दोनों चाचा चाची इतना क्यों तेरे को लगते हैं वो अच्छे जब मैं छोटी सी थी 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 बहुत छोटी साल की फिर मैं मैं वहीं रहने लगी थी यहाँ पे आ गई थी थी मम्मी और मैं परे थी। फिर क्या केयर तो वो करती नहीं तेरी चाची करते हैं आपसे ज्यादा ओ <laughs> देखो क्या बोल रही है हमारे से ज्यादा केयर करती है इसकी चाची चाचा चाचा भी हम्म मेरे को तो लगते नहीं बहुत अच्छे आपके भाई है आपको क्यों नहीं लगते अच्छे <laughs> तो आपने सुनी ना इसकी बातें ये कुछ अजीब सी लड़की है चलो ठीक है जी फिर आगे देखते हैं वीडियो में क्या है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी जो भी मेरे भाई बहन आज मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सभी का स्वागत है हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला शर्मा के चैनल पे और ये चैनल जो है आप सभी का है ये मेरा नहीं है अकेले का क्योंकि हम जितने भी भाई बहन इस पर है हमारे दोस्त हैं उन सभी का है क्योंकि सभी जो है एक बराबर काम कर रहे हैं इस पर और हमारी भावना को देखिए आप बेचारी को सुबह ही उठा दिया और वो भी धक्के दे के जो है इसे उठाया और सुबह ही उठ उठते ही इसको जो, जो है चपातियाँ बनाने लगा दिया और आज कुछ स्पेशल हो रहा है किसके लिए हो रहा है ये आपके साथ जो है बाद में शेयर करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो बिस्किट ले रहे हैं तो आपको बताते हैं हम वैसे बताते मतलब ये है मेरे कहने का हम सिखा नहीं रहे हैं हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं और कैसे जो है सेलिब्रेट करते हैं तो आज स्पेशल डे हो रहा है किसी के लिए आगे, आगे आप देखिएगा पर कंटिन्यू देखिएगा यहाँ पे हमने बिस्किट जो है वो तोड़ लिए जितने हमें चाहिए होंगे उस हिसाब से ले लेने हैं और ये हमारा दूध है दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए और अगर आपने जो है आ, मतलब मीठा इसमें ज़्यादा चाहिए होगा तो आपने चीनी जो है दूध में घोल लेनी है या इसी में डाल के घोल लेनी है मतलब चीनी जो है अगर इसमें घोलनी होगी ना तो वो बिल्कुल बारीक कर लेनी है पहले पीस लेनी है फिर इसमें जो है वो डालनी है और अगर आपको मीठा कम चाहिए होगा तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये हमने जो है वो पेस्ट बना लिया इसको तोड़ तो के और दूध मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे उसमें मतलब वो गांठ जैसी नहीं होनी चाहिए तो ऐसे बिल्कुल एक पेस्ट बन जाना चाहिए इसका ये देखिए जैसे ये पेस्ट बन गया ना सेम बन जाना चाहिए ऐसे और फिर हमने एक ऐसे कटोरा ले लो या जो भी आपके पास अच्छा सा बर्तन होगा जितना मतलब आपने जो है ये पेस्ट बनाया होगा उस हिसाब से आप बर्तन ले लेना ले और उसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा घी लगा लेना है हमने पर घी होना चाहिए प्योर देसी घी होना चाहिए तो ऐसे ताकि ये जो हमारा पेस्ट है ये इसमें चिपके ना और ये देखिए ये है इनो फिर हमने जो है ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसमें हमने जो है एक पैकेट ये अगर ज़्यादा होगा ना आपका ये पेस्ट जुँ? जो है वो ज़्यादा होगा तो आपने इनो जो है वो धो ले लेने हैं अगर आपके पास कम होगा तो एक इनो से काम चल जाएगा और इनो काम क्या करेगा इसमें आ, दुकर 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 इसको आ, फ्लावर देगा मतलब इसमें ये जो इनो है ना ये इसको स्पंज टाइप का बना देगा और ये देखिए हमने जो है इसको ये, जितना भी पेस्ट था वो हमने आ, इस कटोरे में जो है इस कॉल में जो है वो उल्टा लिया है और अब हमने इसको जो है ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा हिला के जो है बिल्कुल प्लेन करना है, है ताकि ये एक बराबर जो है ये आ जाए ऐसे नहीं। और अब हमने जो है दवा रख लिया है गर्म करने डायरेक्ट नहीं रखेंगे और स्टैंड जो है वो दवा के ऊपर रख लिया और उसके ऊपर रख लिया ये हमने ये कटोरा जैसा और ऊपर से ढक्कन कर दिया बंद अब हमने जो है इसको कम से कम भी और यहाँ पे देखिए आप गैस के ऊपर हमने क्या किया फिर नीचे जो है कोई बर्तन ले लेना है और उसमें हमने पानी रखना है ठीक है पानी को उबालते रहना है ऊपर हमने एक और कटोरा रख लिया है जिस पे हम जो है ये चॉकलेट है तो चॉकलेट को हम पिघलाएंगे इसी तरीके से जो स्टीम होता है ना नीचे से स्टीम बनेगा और ये कटोरा जो है वो गर्म होगा और फिर ये पिघल जाएगी तो इसका जो है हमने एक घोल बनाना है ये जो हमारी चॉकलेट है इसको पिघलाना है और हमने जो दूसरी साइड हमने पेस्ट रखा है बिस्किट का पेस्ट उसको हमने तब तब पकाना है उसको देखना है जो टूथपिक होती है ना उसको जो है इसमें बार मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो आ, मतलब इसको घुसाना है और फिर अगर आपकी टूथपिक के साथ जो है वो पेस्ट आ जाता है तो समझ लीजिए कि वे कच्चा है और अगर बिल्कुल साफ आती है तो सोच लीजिए अब वो पक गया है तो ये देखिए अब हमारा जो ये केक है बिस्किट केक ये अब पक चुका है अब केक बन गया है समझ लीजिए आप और बिल्कुल सस्ता और आसान तरीका है ये क्योंकि हम खर्चा करते हैं बहुत अपने बर्थडे पे आ, आ, मतलब जो है बिल्कुल सस्ता तरीका है ये और सबसे बड़ी बात यह है आ, चलो कोई नहीं बाहर से भी हम मंगा सकते थे पर आजकल आपको पता ही है जो बीमारी चली है न और लॉकडाउन के दौरान जो है ये हम जरूरी नहीं समझते कि बाहर से लाए तो हम जो है घर में भी बना सकते हैं और बच्चों का जो है हम मन रख सकते हैं और मन क्या रखना है बहुत ही टेस्टी होता ही है ये तो आज है हमारी भावना का बर्थडे तो आज भावना को जो है वो एक केक बना रहे हैं और हमारी भावना तो इस टाइम ना फूलनिस्मार है बहुत खुश है और इफ़ यू डोंट माइंड ये जो ये बर्तन है हमारा नीचे से काला हो गया है तो ये आ, चूल्हे पे आपको पता है ये बर्तन काले हो जाते हैं तो ये देखो ऐसे अब हमने क्या करना है इसको ना थोड़ा थोड़ा हमने दबाना है ताकि ये इसमें जो है वो पेस्ट ये चिपके ना केक जो है हमारा वो चिपके ना और आसानी से जो है वो निकल जाए तो ये निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इसमें ये देखिए आराम से अब हम निकाल लेंगे इसको और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग जो है वो लाइक like और शेयर जो शेयर जो है वो जरूर करिएगा सॉरी थोड़ा सी जुबान भी फिसल जाती है मेरी पर कोई बात नहीं मुझे पता है मेरे भाई बहन जो है वो समझते हैं ये देखिए अभी इस साइड से ऐसा हुआ है ना अब हमने फिर दोबारा से इसको पलटना है दूसरी थाली में या दूसरी प्लेट में ये देखिए ये अब हमने है, जो है वो दूसरी बार पलट लिया है और अब देखिएगा आप ये बना जी हमारा भावना का केक बन गया जी भावना का नहीं बना बिस्किट केक बना बट भावना के लिए जो है वो ये केक हमारा तैयार हो ही गया है अभी हमने थोड़ा सा और इसमें कुछ करना है ये देखिए जो हमने चॉकलेट पिघलाई थी अब इसको हमने जो है इसके ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो फैला देना है ऐसे और ये जो स्पेस पे दिख रहा है आपको ये है ड्राई फ्रूट तो ये हमने जो है वो नारियल होता है ना उसको हमने जो है वो कद्दूकस किया था और फिर आपके पास और भी अवेलेबल होगा तो आप और भी इसमें मतलब लगा सकते हैं बट हमारे पास बाबा यही था तो हम जो रियल्टी है वही दिखाते हैं और ये देखिए हमने जो है पूरे में फैला दिया ये ये चॉकलेट का जो घोल है तो ये हमने पूरे में फैला लिया और अब थोड़ा सा हमारे पास और बचा है ये, ये अपना नारियल तो इसको फिर दोबारा से जो है इसके ऊपर सजा लेंगे जैसे भी आपको अच्छा लग रहा होगा ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छा जो है वो केक बन जाता है घर में भी हमें जो है बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि बाज़ार से ही ख़रीदें हम जो है वो घर में भी बना सकते हैं और लॉकडाउन के दौरान तो सभी को एक घर में ही बनानी चाहिए सारी चीज़ें पर हम तो ऐसे भी जब भी किसी का होता है ना बर्थडे छोटा मोटा कुछ भी तो हम घर में बनाने बना लेते हैं और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि घर में ही बनाएं और ये देखिए थोड़े से बादाम थे हमारे पास वो भी हमने जो है इसमें लगा लिए और अच्छी बात है जो आपके पास होगा वो आप लगाइएगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भावना को आप बर्थडे का जो है वो अपना अपना आशीर्वाद देना और ये हमारी डॉक्टर साहिबा ने जो बनाया है और यहाँ पे हमने हमारी भावना ने ये काट लिया केक और हमारे मतलब गांव में ना इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता पर जितना सिंपल होता है वो दिखा रहे हैं आपको देखिए ये अब हिमांशु बोल रहा है मैं खुद खिलाऊंगा अपनी सिस्टर को और भावना बोल रही है पहले मैं तेरे को खिलाती हूँ तो बहुत प्यार है इनके बीच में ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी तब तक बाय सी यू टेक केयर एवरीबॉडी बाय